हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई डिस्कस ऑल द फॉर्मूलाज एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट सो लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम करंट टेम्परेचर लूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस तो जब हम डायमेंशंस का एनालिसिस करेंगे आगे तो इलेवेंथ क्लास में ज़्यादातर फार्मूलाज एम और टी की फॉर्म में किसी बाकी क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लास ट्वेल्थ के जो फार्मूलाज आएंगे उन क्वांटिटीज uh, के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है तो जैसे कि आप अभी अगर जेई के लिए रिवाइज कर रहे हैं तो क्लास ट्वेल्थ की जो जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज हैं उनको आप फिजिकल स्टैंडर्ड क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखने की कोशिश जरूर करें यहां पे उनके सिंबल्स हैं एमएलटी करंट के लिए आई टेंपरेचर के लिए कैपिटल में थीटा स इंटेंसिटी के लिए जे है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि नंबर ऑफ मोल्स से एक्सप्रेस की जाती है उसके लिए सिंबल है कैपिटल एन आगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेते हैं ये वो यूनिट्स हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करती हैं जैसे कि फर्मी इसका काम कब का आता है जब आप साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं तो इस ऑर्डर में उसका साइज होता है मॉडर्न फिजिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में ज्यादातर जो डिस्टेंसेज होते हैं बिटवीन साइज ऑफ अ शेल अगर आपको दी हुई है तो इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रम ठीक है सिमिलरली नैनोमीटर माइक्रोमीटर लाइट ईयर क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंपॉर्टेंट है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन तो अर्थ के रे आपका जो ऑर्बिट का रेडियस होता है उसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दार इलेवन मीटर्स सिमिलरली वन अटोमिक मास यूनिट यानी कि हाइड्रोजन एटम का जो मास है आजकल ए की जगह U से इसको डिनोट किया जाता है उसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू दाइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है दिस इज दास ऑफ अ प्रोटोन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको कन्वर्जन uh, फैक्टर के लिए याद होनी चाहिए आगे चलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस किस तरीके से करना है सबसे पहली बात डायमेंशन क्या होती हैं जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखते हैं ठीक है जैसे आपका फोर्स फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन को हम एल इंटू टी टू दावर माइनस टू लिखेंगे तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मास लेंथ और टाइम इनकी जो पावर्स हैं मास की पावर वन लेंथ की पावर वन एंड टाइम की पावर माइनस टू दीज आर ऑल नोन एज डायमेंशंस तो जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि एक इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होती है व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर डायमेंशनली सेम ठीक है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स उसके अलावा लॉगारिथमिक और एक्सपोनशियल फंक्शंस हैं लॉग एक्स और ई की पावर एक्स दीज आर ऑल डायमेंशनलेस और इन फंक्शंस के अंदर जो क्वांटिटी होती है

अलग हूं तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसके अलावा आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला भी रफली एस्टिमेट कर सकते हैं तो आपको क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी दे रखी होगी ए जो कि प्रोपोर्शनल होगी एक्स के वाई के और तीसरी क्वांटिटी जेड के तो हम क्या कर सकते हैं हम ए को लिख सकते हैं एक्स टू दावर सम वेरिएबल पी वाई टू दावर क्यू एंड जेड टू दी पावर आर प्रोपोर्शनल है लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें नहीं पता आगे हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी डाल देंगे तो अब हम क्या करेंगे इस जो ओरिजिनल गिवन क्वांटिटी है इसको भी एम की फॉर्म में लिखेंगे और ये जो क्वांटिटीज है एक्स वाई और जेड इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को भी एम की फॉर्म में लिख के एम एल और टी की पावर्स अलग से ऐड कर लेंगे ठीक है तो मान लेते हैं यहां पे एक्स वाई और स्मॉल z जो है एम की पावर्स आई और गिवन फार्मूला में ए बी और सी थी तो जो कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए तो हम तीन इक्वेशन बनाएंगे ए इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू वाई एंड सी इक्वल टू जेड ठीक है यहां पे मैंने पावर्स कंपेयर कर दी तो क्वेश्चन में ये सब क्वांटिटीज के बारे में आपको मालूम होगा ए जो क्वांटिटी है उसकी भी डायमेंशन आपको पता होंगी और वो जिन अलग अलग क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है उनकी भी क्वांटिटीज आपको पता होंगी तो यहां पे आप जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो आपकी यहां पे पी क्यू और आर की फाइनली वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि एक्स वाई और जेड जो है वो पी क्यू आर की टर्म्स में ही होगा कुछ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे डिपेंडिंग ऑन ऑल दी पावर्स तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूले हो गए हैं सारे आगे चलते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे चेक करेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट

सिग्निफिकेंट वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने में हेल्प करते हैं कि डेसिमल की पोजीशन कहां पर आएगी नेक्स्ट टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट ठीक है एक नंबर है 12,300 तो ये जो लास्ट के जीरोस हैं ट्रेलिंग जीरोस यहां पर कोई डेसिमल नहीं है तो ऑल दीज लास्ट टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट ठीक है जैसे हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं तो 123 मीटर को 12,300 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या वन लाख ट्वेंटी मिलीमीटर भी लिख सकते हैं लेकिन उससे रीडिंग की एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन थ्री इन ऑल द केसेस हां अगर ट्रेलिंग जीरो डेसीमल के बाद में है टुअर्ड द राइट ऑफ द डेसीमल तो दे आर ऑल सिग्निफिकेंट तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉन जीरो डिजिट्स हैं टू और थ्री उसके बाद लास्ट में एक जीरो आ रहा है और ये जीरो जो है डेसिमल के बाद है सो दीज लास्ट थ्री थ्री और जीरो दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। ठीक है? तो लीडिंग नॉट सिग्निफिकेंट है लेकिन डेसिमल के बाद के जीरोज दे विल बी सिग्निफिकेंट तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के रूल्स थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं एक नंबर को ए इंटू टेन टू दी पावर यहाँ पे ए जो नंबर होगा वो वन से टेन के बीच में होगा सिंगल डिजिट नंबर होगा उसके बाद डेसीमल आएंगे और उसको फिर टेन की पावर के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर है पॉइंट जीरो 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 वन सेवन तो यहाँ पे ए जो है उसके अंदर सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए तो वन और सेवन दो जो टर्म्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं तो मैं इसको वन पॉइंट सेवन यहाँ पे लिखूंगा अब डेसिमल की प्लेसेस देख लेते हैं तो यहाँ पे वन जो है वो डेसिमल के बाद फोर्थ प्लेस पे है तो मैं इसको लिख सकता हूं पावर माइनस फोर तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन आगे चलते हैं इसी तरीके से टू टू थ्री को हम क्या कैसे लिखेंगे हम ये जो नंबर है इसको वन और टेन के बीच में लाने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा टू पॉइंट सिक्स सेवन फाइव टू थ्री ठीक है सारी नॉन जीरो रिटेन देम इन दी फाइनल आंसर अब यहां पे मैंने डेसिमल को दो प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया है तो यहां पे 10 की पावर 2 आ जाएगी सो so, अब एरर्स की बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर जो होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट रीडिंग्स इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इसको निकालते कैसे हैं सबसे पहले आपको अगर एन नंबर ऑफ रीडिंग्स दी हुई हैं तो हम उनकी मीन वैल्यू निकालेंगे आपने लैब मैनुअल्स में जो फाइल बनाते हैं उसमें इसको यूज किया होगा पहले भी फिर हम सारे एरर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ठीक है कुछ रीडिंग्स मीन वैल्यू से ज्यादा होंगी कुछ कम होंगी तो जो डिफरेंस आएगा उसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर उन सब एरर्स का हम मीन निकाल लेंगे ठीक है आपके पास एरर्स आए हैं मान लो डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू अपू डेल्टा ए सिक्स तो उन सब एरर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करके हम सिक्स से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो ये यहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा आ जाएगा तो हम क्वान्टिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर इन दैट रीडिंग आगे चलते हैं रिलेटिव एरर की बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर को अगर मीन वैल्यू से हम रेशियो ले लें तो दैट क्वांटिटी इज नोन एज रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन परसेंटेज एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर जो है जो एक फ्रैक्शन है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द परसेंटेज एरर इन अ क्वांटिटी तो दो क्वांटिटीज को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स को हम ऐड करते हैं ठीक है चाहे एडिशन हो रहा हो क्वांटिटीज का या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो उनके एरर्स को हम ऐड कर देंगे अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं जैसे z इज a मल्टीप्लाइड बाय b तो ये जो दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं इनके रिलेटिव एरर्स को हम ऐड कर देंगे और उससे हमें रिलेटिव एरर इन द आंसर पता चल सकता है अगर मल्टीपल पावर्स हों जैसे आपकी क्वांटिटी है z, विच इज इक्वल टू ए टू दी पावर b, b टू दी पावर q अपॉन c टू दी पावर r. पहली बात, नंबर मल्टीप्लाई हों या डिवाइड हों उनके रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं तो a की पावर p है तो p नीचे आ जाएगा डेल्टा z बाय z हो जाएगा p इंटू डेल्टा a बाय a, जो पावर की टर्म है वो रिलेटिव एरर के साइड में आ जाएगी प्लस q इंटू डेल्टा b बाय प्लस r इंटू डेल्टा c बाय सी

या इंस्टीट्यूट uh, मटेरियल में से रिवाइज कर लीजिए दूसरे क्वेश्चन है कन्वर्ट वन क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर फॉर एग्जांपल हम किसी क्वांटिटी को एस आई यूनिट्स की जगह सी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा फाइंडिंग परसेंटेज एरर इन अ क्वांटिटी यूजिंग इट्स फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं फॉर एग्जांपल आपको डेंसिटी निकालनी है एक सिलेंडरकल वायर की तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इज मासॉन वॉल्यूम एम अपॉन r आर h तो आपको अगर मास रेडियस और लेंथ ऑफ वायर जो है उन सब की वैल्यूज और उनके एरर्स दिए हुए हैं तो आप डेंसिटी में एरर कैसे निकालेंगे डेल्टा रो बाय रो विल बी इक्वल टू एम की पावर वन है डेल्टा एम बाय एम आर की पावर टू है प्लस टू डेल्टा आर बाय आर प्लस एच की पावर अगेन वन है डेल्टा एच बाय एच तो इस तरीके से ये सब क्वांटिटीज आपको दी होंगी इसकी मदद से आप रिलेटिव एरर इन डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और अगर दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हमारे पास आ जाएगा तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना और लास्ट में पैरलेक्स मेथड की मदद से स्टार्स का डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है एक क्वेश्चन होता है उसको आप प्लीज सॉल्व कर लेना इसमें वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जोकि डिस्टेंस स्टार्स को मेजर करने के लिए हम बेसिस जो लेते हैं दैट इज टेकन एज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थस ऑर्बिट ठीक है हम क्या करेंगे रीडिंग लेंगे सिक्स मंथ्स अपार्ट तो अर्थ जो है सिक्स मंथ्स के बाद कहाँ होगी एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट डिस्टेंस पे होगी तो पहली रीडिंग एक एंड पे ली है छह महीने बाद उसी लोकेशन से हमने दूसरी रीडिंग ली है ऑफ अ डिस्टेंट स्टार ठीक है तो यहां पे हम दोनों रीडिंग्स लेंगे और फिर ये अपना पैरालैक्स का एंगल मेजर कर लेंगे तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द स्टार और ये हो गया आपका बेसिस ठीक है ये कितना हो गया डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट यानी कि टू टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो पैरालैक्स का फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल्स का फॉर्मूला होता है थीटा हो जाता है बेसिस अपॉन डी तो यहां पे टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिस की वैल्यू पुट करेंगे थीटा की रीडिंग आपके पास होगी आप डिस्टेंस ऑफ द स्टार निकाल सकते हैं सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर द टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डू लाइक इट एंड शेयर इट विद यर फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग